पिछोर विधानसभा 26 में कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद लोधी के समर्थन में पहुंची कांग्रेस प्रदेश महामंत्री रोशनी यादव, जिन्होंने बमौर कला में विशाल आम सभा को संबोधित किया। सभा में हजारों की संख्या में जनता रोशनी यादव को सुनने पहुंची। इस कार्यक्रम में विधानसभा प्रभारी सतीश फौजी एवं कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद लोधी ने भाजपा प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन जिस पर 5 मामले दर्ज होते हैं उसे जिला बदर कर देती है, लेकिन भाजपा ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया था जिस पर 65 मामले दर्ज हैं और जो व्यक्ति पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाया, जिला पंचायत का चुनाव नहीं जीत पाया, 2 बार विधायक का चुनाव हार चुका, ऐसे व्यक्ति को भाजपा ने टिकट दिया, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी भाजपा की। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री रोशनी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 18 साल में शिवराज सिंह सरकार को कभी बहनों की याद नहीं आई, जब चुनाव आया तो 1000 के लॉलीपॉप बहनों को बांटने चले आए। शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार ने भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैला रखा है, उस भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और मतदाताओं से यही कहना चाहती हूं कि भाजपा ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है उस पर कई मामले दर्ज हैं, ऐसे में अब आपको सही व्यक्ति को चुनना है। एक तरफ अत्याचारी व्यक्ति है और दूसरी तरफ सरल स्वभाव का व्यक्ति है। पिछोर क्षेत्र की भली भांति भोली भाली जनता को जागरूक करने आई हूं कि आप अपने मत का सही उपयोग करें और कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद लोधी को भारी मतों से विजयी बनाएं। संवाददाता सचिन राजभट्ट की रिपोर्ट। रोशनी जी, आज आपने एक बड़ी सभा को संबोधित किया पिछोर विधानसभा के बाबर कला में, क्या कुछ कहेंगे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए? देखिए, जो प्रत्याशी का एकदम सरल स्वभाव के हैं तो मैं यही कहूंगी कि इस पिछोर की जनता को आज जागरूक करने आए हैं, क्योंकि एक जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं बहुत ही बाहुबल और इतने सारे उन पर मुकदमे लगे हैं, तो आपको एक अत्याचारी को चुनना है या एक सरल सौम्य व्यक्तित्व को चुनना है जो लगातार जनता के बीच में मेहनत करते आए हैं? तो मैं यही कहूंगी पिछोर विधानसभा के मेरे भाई बहन और युवा साथियों से कि आप ईमानदारी छवि को चुनें। अगर आज ये भारतीय जनता पार्टी में प्रताड़ित होकर के और 30 वर्षों से ये लगातार सामान्य कार्यकर्ता का फर्श बिछाते आ रहे हैं उस भारतीय जनता पार्टी में, और आज कांग्रेस पार्टी ने इन्हें टिकट देकर के नवाजा है, तो पिछोर विधानसभा को सम्मान स्वरूप कांग्रेस का बटन दबाकर इनको विजयश्री दिलाना चाहिए।